हेलो माय स्टूडेंट, आज भी मैथ्स का क्लास ले रहे हैं और उनके लिए स्पेशली जो फॉर जेई मेन 2022 या जेई एडवांस 2022 के लिए अपीयर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी देंगे साथ में और एप्लीकेशंस भी चलेगा और ये एक सीरीज के रूप में चल रहा है। इसके पहले एक क्वेश्चन दिए थे, आज ये दूसरा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटीज में 1988 में 2 मार्क्स का, मतलब जेई एडवांस के लिए है और प्लस ये जेई मेन में भी इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन के रूप में दे देगा, बोलेगा आंसर क्या बताइए। तो देखते हैं ये क्या है, इसका एनालिसिस किया जाए आज। तो इसको बनाने के लिए जो कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, यहां पर देख रहे हैं ए रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, यहां लिखा हुआ रियल नंबर है और जेड वन और जेड टू जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहां पर ये ए जेड वन, जब जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए रियल नंबर में मल्टीप्लाई करने से कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ये भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ऐड करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, जिसको सोच सकते हैं ये डब्लू वन है और डब्लू वन का स्क्वायर, मतलब इस टाइप का डब्लू वन का स्क्वायर और ए वाला समझा जाए डब्लू टू का स्क्वायर, इस टाइप का हो गया। और अब इसको सॉल्व करके आंसर भी नहीं दिया हुआ है, ये आया था आईआईटीज में फिल इन दी ब्लैंक्स वाले मतलब पार्ट में। तो इसको बनाने का जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको देखा जाए क्या है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों एक कॉम्प्लेक्स को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें या कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है और यहाँ भी वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और कॉम्प्लेक्स का कोई भी ऑपरेशन करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड तो वो रूल फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही दिखेगा। और यहाँ पर मान लिया जाए कि लिख देते हैं इस आंसर को एक नाम जेड स्क्वायर, ये आंसर चल रहा है तो इसको जेड स्क्वायर लिखिए। तो अब ये सोचना पड़ेगा कि जेड स्क्वायर को क्या लिखा जाता है, तो इसका आंसर है कि जेड जेड कंजुगेट होता है, यही इसका कंसेप्ट है, ये जानना होगा। लेकिन कैसे हम माने कि ये सही है या गलत है, तो इसको एक प्रूफ में देख सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि जेड को अगर हम एक्स प्लस आई वाई लिख दें और जेड कॉन्जुगेट को डिफाइन करते हैं एक्स प्लस आई वाई और कॉन्जुगेट, और जैसे इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट में माइनस कर देंगे, और जैसे यहां पर एलएचएस अगर देखें तो आ जाएगा कि मॉड जेड का जो स्क्वायर है, मॉड जेड सभी को पता है कि एक्स प्लस आई वाई है जेड, उसका ये मॉड है। तो अगर ये स्क्वायर नहीं रहता तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और इसमें स्क्वायर है ये, तो नेचुरली हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एलएचएस। इसका आरएचएस क्या होगा, आरएचएस में जेड जेड कंजुगेट, तो जेड का जगह एक्स प्लस आई वाई और कंजुगेट जेड का अभी निकाले हैं एक्स माइनस आई वाई, अब ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
तो नेचुरली हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर और आई स्क्वायर होता है माइनस वन तो इसलिए ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यों क्योंकि आई को बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन तो आई स्क्वायर क्या हो गया माइनस वन तो इस तरह से ये जो आंसर्स आ रहा है और ये जो आंसर्स आ रहा है ये सेकंड इक्वेशंस है और ये फर्स्ट इक्वेशंस है तो देखने से लग रहा है कि जितना एलएचएस का आंसर आया उतना ही आरएचएस का आंसर आ रहा तो ये कंफर्म कर दिया कि यस हमेशा ये कॉन्सेप्ट थ्रू है कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस एलएचएस क्या हो गया एलएचएस हो गया दिस स्क्वायर और ये हो गया वैसे इसमें और भी कॉन्सेप्ट हो सकता था वो क्या है कि यहां चाहे तो हम लिख सकते थे दिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट जेड का स्क्वायर ये भी सही है क्यों कॉन्जुगेट जेड जब लिखेंगे तो एक्स माइनस आई वाई आएगा और उसका मॉड लगेगा तो उसका स्क्वायर तो जैसे इसका आंसर निकालेंगे वो भी करके दिखा देते हैं जेड कंजुगेट का स्क्वायर तो इसका आंसर हो गया पहले जेड लिखेंगे एक्स प्लस आई वाई फिर कंजुगेट लगाएंगे फिर इसके स्क्वायर है जब कंजुगेट लगाए तो एक्स माइनस आई वाई हो गया फिर इसका ऐसा हो गया रियल पार्ट हो गया एक्स इमेजिनरी पार्ट हो गया माइनस वाई तो इसलिए यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया रियल पार्ट एक्स का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट हो गया माइनस वाई का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट होगा ये आ गया मॉड पूरे का फिर स्क्वायर होगा तो सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट फिर इसका स्क्वायर इसलिए आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसीलिए ये इसके बराबर भी हो सकता है फिर कंजुगेट का और भी कॉन्सेप्ट है वो क्या है तो समझ लीजिए कि अगर एक तो एक्स एक्सिस खींच दिए वाई एक्सिस खींच दिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट कहीं भी पॉइंट ले लीजिए मान लीजिए यहाँ पॉइंट ले लिए पी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग में अगर इसको कन्वर्ट करें पोलर कोऑर्डिनेट में तो क्या होगा जेड जो है एक्स प्लस आई वाई है यहाँ से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर ये एम हो गया ये हो गया ओ एम रियल पार्ट एक्स और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट वाई आई वाई भी लिखते खाली वाई लिखेंगे माने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा और इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ एरो मार्क्स दे देते हैं ये जो लेंथ है इसी को मतलब मॉड जेड बोलते हैं यही है मॉड जेड और यही मॉड जेड आर लेंथ कहलाता है और आर को यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं कैसा तो मे बी पॉजिटिव एंड मे बी जीरो स्पेशल केस में कब जीरो होगा जब ये ओरिजिन पर रह जाता है लेकिन आर इसको जो मॉड्यूलस है हमेशा पॉजिटिव लेना है या मतलब जीरो लेना है मतलब ग्रेटर देन खाली रहेगा तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव और ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा तो पॉजिटिव और आर नॉन निगेटिव होगा मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए और फिर यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे आर कॉमा थीटा ये हो गया यहाँ से यहाँ एरो देख करके एंगल थीटा थीटा का कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा मिनिमम होता है माइनस पाई और मैक्सिमम होता है प्लस पाई इंक्लूड है माइनस पाई एक्सक्लूड है जिसको डायग्राम में ऐसे दिखा सकते हैं माइनस पाई एक्सक्लूड है तो यहाँ से स्टार्ट करिए और यहां से टर्न कीजिए माइनस पाई से जीरो और
फिर इसी से आगे बढ़ करके आ जाइए, मतलब माइनस पाई से, ठीक है, माइनस पाई से जीरो, जीरो से पाई, मिनिमम हो गया माइनस पाई 3.14, मैक्सिमम हो गया पाई। तो इसको कैसे सोचते हैं, माइनस पाई से धीरे धीरे बढ़ाना है, तो माइनस पाई यहाँ है माइनस 180 डिग्री, और ये बढ़ते जा रहा है, एरो मार्क्स ऐसे दे दे रहे हैं, और ये बढ़ते बढ़ते माइनस पाई बाई टू हुआ, बढ़ते 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 जीरो हो रहा है, और फिर जीरो से आगे बढ़ते बढ़ते माइनस पाई तक जाएगा। तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ से आ जाएगा यहाँ तक, तो ये डायग्राम में आधा नीचे दिखाए आधा ऊपर दिखाए, मतलब होना चाहिए इस थीटा को जीरो से दिस, और ये टू पाई स्क्वायर, और ये ऐसा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं चलता है आर्गुमेंट का, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये चलता है मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन में, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, नॉर्मल फॉर्म में वहां चलता है कि अल्फा जीरो से बड़ा इंक्लूड और टू पाई को एक्सक्लूड, क्योंकि टू पाई और जीरो एक ही जगह है, तो दोनों में एक ही लेंगे तो जीरो ही लिया जाता है, टू पाई नहीं लिया जाता है। लेकिन ये कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो है ये स्ट्रेट लाइन में ये सब फंडा चलता है, ये सब पूरा जो भी लिखे हैं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा तो इसका कंसेप्ट में हो जाएगा मिनिमम माइनस पाई एक्सक्लूड और प्लस पाई इंक्लूड, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पाई और एक्सक्लूड और प्लस पाई इंक्लूड, क्योंकि जानते ही है जहां पर माइनस पाई है वाई एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड, ये पॉइंट है जिसको देखो हम सर्किल करके एक्सक्लूड कर दिए हैं, और ये वाला जो है इसी पर जो ऐसे बैक करके जा रहे हैं ऐसे, तो इस पॉइंट को हम इंक्लूड किए हैं, तो इसके अलग अलग जगह करके दिखा रहे हैं। तो मिनिमम हो गया माइनस 3.14, यहाँ एक्सक्लूड किए और वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, जीरो की राय यहाँ तक पहुँचा, और यही कंटिन्यूटी में यहीं से घुमा सकते थे, लेकिन थोड़ा समझाने में आसान हुआ, यहाँ से घुमाते 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 फिर यहाँ ले आए, लेकिन ये यहाँ पर एक्सक्लूड रहेगा, स्टार्ट भी एक्सक्लूड यहाँ भी एक्सक्लूड। तो ये इसका, सॉरी यहां पर गलत हो जाएगा, यहां पर समझो कि पाई यहां इंक्लूड है, ये इसको समझे हैं माइनस पाई, यही प्लस पाई भी है, तो इसको माइनस पाई एक्सक्लूड करते हुए घूमते चले गए, जीरो आया, जीरो से घूमते घूमते पाई आया इंक्लूड, तो यही चीज है, ये है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अपना दिमाग नहीं लगेगा, जो है वही लिखना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। एक होता है जनरल आर्गुमेंट, तो जनरल आर्गुमेंट क्या होता है, वो होता है 2nπ ऐड कर देते हैं या 2πk के ऐड कर देते हैं, और रेक्टेंगुलर को पोलर से रिलेशन करेंगे तो x का आंसर होता है r cos थीटा, इस ट्रायंगल से 90 डिग्री है 19 का लेवल से, y होता है r sin थीटा। तो ये x कॉमा y रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, और r कॉमा थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये पोलर लिख देते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये गलत है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये दोनों आपस में लिंक है, रेक्टेंगुलर को पोलर में या पोलर को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अप्लाई होती है, और इसी से ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर रेक्टेंगुलर में है तो पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा, या सर्किल का भी कभी है अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो पोलर में कन्वर्ट होगा,
पैराबोला एंड हाइपरबोला का भी रहेगा, रेक्टेंगुलर में तो पोलर में कन्वर्ट होगा। कोशिश करोगे कि कॉनिक सेक्शन का पैराबोला एंड हाइपरबोला में, अगर पैराबोला का हमको पोलर कोऑर्डिनेट में इक्वेशन लिखना होगा तो क्या होगा, कोशिश कीजिए पता लगाइए क्या होगा। अब देखा जाए यहाँ पर जेड जो एक्सप्रेस आई वाई लिखा हुआ है इसी में कन्वर्ट कर देते हैं एक्स की जगह आर कॉस थीटा, और वाई को लिख देते हैं आर साइन थीटा, दोनों में आर कॉमन हो जाएगा, ये जगह कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यही वाला बोला डिटेक्ट में नहीं बता रहे हैं, नहीं तो क्या होगा पूरा टाइम पार हो जाएगा, आर ई आई थीटा एक्सपेंशन से आ जाएगा। ठीक है, खासकर जब कॉम्प्लेक्स नंबर दो ठो रहता है मल्टीप्लाइड और डिवाइड में, तब तो इसको ना इस फॉर्म में, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स फॉर्म और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये दोनों से किसी से बनाइए, खासकर मल्टीप्लाइड डिवाइड में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दो ठो रहता है या दो से ज़्यादा, तब ये अप्रोच बहुत अच्छा काम करता है। और अब इसको समझिए कि हमको कॉन्जुगेट निकालना है, तो जब कंजुगेट निकालेंगे तो समझिए कि इस एक्स एक्सिस पर एक मिरर, प्लेन मिरर रखा हुआ है और इस पॉइंट का हम मिरर इमेज निकालेंगे। तो जब मिरर इमेज निकालेंगे तो जानते ही है लेंस में, मिरर में पड़े हो प्लेन मिरर के लिए इसका इमेज कहाँ जाएगा, तो इतनी लेंथ के बराबर नीचे में आएगा और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ थीटा प्लस में है तो यहाँ का जो थीटा होगा माइनस थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा कोऑर्डिनेट है तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, और ये वाला लेंथ आर का आर रहेगा ज्योमेट्रिकली और ये आर कॉमा माइनस थीटा हो जाएगा। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में एक्स का कोऑर्डिनेट तो उतना ही है, एक्स वाई खाली बदल गया तो एक्स कॉमा माइनस वाई, तो इस तरह से इस पॉइंट का कॉन्जुगेट ये हो गया और इसका कॉन्जुगेट ये हो गया। इसी तरह का डायग्राम भी अगर एक नया फिगर हम दे दें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो सेकंड में आ गया, सेकंड वाला फर्स्ट में आ गया, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है ओरिजिनल इस टाइप का, मान लीजिए कोई पॉइंट है ऐसा पी जो ऐसा है और ये जेड की जगह एक्स कॉमा वाई है और इसको ज्वाइन कर देते तो यहाँ से बोल सकते हैं ओरिजिन है, यहाँ से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर ये मान लिया एम है तो ओ एम हो गया एक्स और ये वाला हो गया वाई, ऐसे हम लिख रहे हैं एक्स और वाई, बट ओरिजिनल इसका वैल्यू जब देखेंगे तो ये निगेटिव में आएगा और ये पॉजिटिव में आएगा, लेकिन हम जनरल फॉर्म लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिख दिए। और जब इसको ज्वाइन करेंगे तो इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा वाई की जगह रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ए लेंथ होगा आर, और थीटा कैसे पड़ेंगे तो माइनस पाई से प्लस पाई पढ़ना है, तो जब कभी भी अपर हाफ में कोऑर्डिनेट रहेगा तब एंगल ऐसे देखेंगे और लोअर हाफ में रहेगा तो एंगल यहां से ऐसे टर्न करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यही थीटा एंगल दिख रहा है जो यहां पर आ गया, और जब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो क्या होगा, ठीक इसका मिरर इमेज देखेंगे तो इसको इधर एक्सटेंड करेंगे नीचे की ओर और इस पॉइंट को पी है तो इसको लिख देते हैं मानी पी डैश, और ये वाला एंसर्स लेंथ जो आर है इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये आर रहेगा सेम लेंथ, ये जिस लेंथ के बराबर वही रहेगा, और एंगल थीटा जो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है थीटा पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज यहाँ घूम गया और ये थीटा निगेटिव हो जाएगा, और x का कोऑर्डिनेट तो वही है नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ ऑलरेडी हम साइन नहीं बैठाए तो यहाँ क्यों बैठाए, खाली x लिखेंगे और y का आंसर जो भी होगा यहाँ पर माइनस वाई हो जाएगा। तो देख लीजिए कि r कॉमा माइनस थीटा यहाँ भी वही था r कॉमा माइनस थीटा, यहाँ भी r कॉमा माइनस थीटा कॉन्जुगेट में, और यहाँ पर था x माइनस वाई तो यहाँ भी वही है, तो इस तरह से एक विजुअल भी दिखा दिए ताकि कॉन्जुगेट का पूरा कहानी समझ में आए, और साथ ही साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं इस फॉर्म में, इसको बोलते हैं आर सीस थीटा, ऐसे भी बोलते हैं।
फिर इसको और एक बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, मतलब ओपी वेक्टर भी बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, और पॉइंट पी भी बोलते हैं, बहुत नाम है लेकिन उतना बताएंगे तो समझ रहे हैं कि वीडियो में तो समझाते समझाते मतलब बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जो भी हो मैंने कोशिश किया कि कंजुगेट का बारे में थोड़ा सा बताएं, तो ये कंजुगेट जो है क्लियर किए। अब इसके बाद का कंसेप्ट बताते हैं, तो वो क्या है कि इसमें सिर्फ उसी कंसेप्ट से बन जाएगा, और वह कंसेप्ट होगा जो यहाँ स्टार्टिंग में प्रूफ किए थे, इसी से बन जाएगा, ये एक तो एक्स्ट्रा बूस्ट एनर्जी दे देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। ओके, तो अब देखा जाए कि इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या किया जाए। ये एक्सक्लूसिवली कॉन्जुगेट से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, तो कॉन्जुगेट का कंसेप्ट लगाएंगे और दिखेगा कि वी हैव द कंसेप्ट दैट कॉन्जुगेट ऑफ मॉड जेड ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। यही है कंसेप्ट, हम लोग अभी प्रूफ किए, फिर उसको हम ग्राफ में भी दिखाए हैं, फिर उसका एंगल भी दिखा दिए हैं, ताकि कुछ इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाए क्वेश्चंस के बहाने। और इस में कॉम्प्लेक्स नंबर में आठ कॉन्सेप्ट है, आठ कौन कौन है तो समझिए, एक नंबर में है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहता है, उसको ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो। फिर उसी तरह अगर देखेंगे दो नंबर में क्या है, तीन में क्या है, चार में क्या है, पाँच में क्या है, छः में क्या है, सात में क्या है, आठ में क्या है, तो जेईई एडवांस का सिलेबस देखिए तो आठ में दिखता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, सात में देखिएगा तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो उसके जगह आप समझिए काहे को याद कीजिएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सीधा समझिए सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी, मतलब कि आपको सातवां कॉन्सेप्ट है तो सोच लीजिए सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी, तो याद करने में आसान होगा, और साथ ही साथ यूनिटी का क्यों निकाले सेवेंथ रूट, एनथ रूट ऑफ यूनिटी, या और कोई सोच लीजिए कोई नंबर्स है रियल नंबर और उसका हम निकाल दिए हैं कितना रूट, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में लिख दिया गया है कोई रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ पी हमेशा आपका इंटीजर्स होगा, मे भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, बट जो क्यू होगा डिनोमिनेटर वो पॉजिटिव होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, माने पी और क्यू का मॉड लेकर के अलग अलग निकालोगे तो उसका एस सी एफ वन होना चाहिए, तब जितना क्यू दिखाई देगा माने अगर पाँच दिख रहा है तो वो आंसर्स पाँच रूट आएगा, और कौन कौन होगा तो समझ लीजिए पहला आएगा एक तो मान लीजिए उसको कुछ भी एक नाम दे देते हैं, फिर एक दूसरा आएगा तीसरा आएगा चौथा आएगा पांचवा आएगा पांच टू आएगा, और वो आंसर्स कंफर्म पहला तो वन आएगा, फिर उसके बाद जो भी आएगा मान लीजिए आया जो ओमेगा आएगा या ओमेगा स्क्वायर आएगा, बट वो ओमेगा जनरल ओमेगा क्यू रूट यूनिटी वाला नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, और फिर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू ओमेगा फोर ऐसे करके आता है, तो वो ड्राइवेशन समझाना पड़ेगा तब समझ में आएगा, तो उसको अभी छोड़ दीजिए, उसका भी कभी क्वेश्चन में आएगा तो एक्सप्लेन कर देंगे। फिर छठा नंबर में आएगा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज आएगा, फिर उसी तरह जो है जो मतलब दूसरा है तीसरा है चौथा है, तो एक में आएगा समझ लीजिए कि जैसे बोल सकते हैं कॉन्जुगेशंस वाला आएगा दो नंबर में, तीन नंबर में आएगा मॉडुलस वाला, फिर एक में आएगा आर्गुमेंट वाला, तो ऐसे करके ये सिलेबस है, और जब ये पूरा सिलेबस आप ठीक से दिमाग में रख लेंगे और तब अगर कोई भी कोर्सेस बनाना चाहेंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। तो कोशिश कीजिए कि जो भी सिलेबस के बातें हैं वो आपके मेमोरी में होनी चाहिए कि एक नंबर में क्या है, फिर एक तो तीसरा नंबर में मिलेगा ये उसको बोल सकते हैं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन,
पहला हो गया अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो घटा गुना भाग वाला। दूसरा समझ लीजिए आ गया जिसको बोल सकते हैं कि कंजुगेट प्रॉपर्टीज, फिर एक आ गया पोलर रिप्रेजेंटेशन, फिर आ गया मॉडुलस प्रॉपर्टीज, फिर आ गया आर्गुमेंट प्रॉपर्टी, फिर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, फिर आएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिर आएगा ये उसी में साथ में जोड़ दीजिए एलेंथ ऑफ यूनिटी, लेकिन सिलेबस में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है। अतः लास्ट में है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, आठ कंसेप्ट। तो अब देखा जाए इस प्रश्न को कैसे बनाए जाते हैं आगे। तो जब इतना मालूम है तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे, तो लिखेंगे ए जेड वन प्लस बी जेड टू दिस स्क्वायर। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है क्या होता है उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी वही होगा ए जेड वन प्लस बी जेड टू, और ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और उसी का कॉन्जुगेट लेना है। तो ए जेड वन प्लस बी जेड टू ऐसा ले लेंगे। अब कंजुगेट में भी कॉन्सेप्ट क्या है, चाहे वो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, जैसे ऐसे देखिए यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन है और ये जेड टू है, और यहाँ पर एक स्टार लगा दिया। स्टार का मतलब यहाँ पर है ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ भी हो पूरा का कॉन्जुगेट है तो हमेशा अलग अलग कॉन्जुगेट हो जाता है, ऐसे समझिएगा ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल देते हैं, अगर ये ऑपरेशन मान लीजिए ऐड है तो उस समय ये अलग अलग कॉन्जुगेट हो जाता है। इसको देखिएगा, प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा, प्रूफ हो जाएगा। दूसरा अगर देखेंगे सब्ट्रैक्ट में तब भी ये अलग अलग हो जाएगा, सब प्रूफ होमवर्क। अगर मल्टीप्लाइड है पूरा का तो अलग अलग, और डिवाइड भी है तो अलग अलग। कोई भी चीज याद कब रहता है, जब उसका डेप्थ में जानिएगा। तो ये ऐड के लिए भी अलग अलग, सब्ट्रैक्ट के लिए भी अलग अलग, मल्टीप्लाइड के लिए भी अलग अलग, और डिवाइड के लिए भी अलग अलग। लेकिन यहाँ जेड टू शुड नॉट बी जीरो, इतना जानिएगा जेड टू जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो कब होता है, जब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट एक साथ जीरो होते हैं, और एटलीस्ट एक जो रियल या इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है तब वो मतलब तब ये प्रॉब्लम नहीं होगा प्रॉपर्टीज में। तो ये प्रॉपर्टीज एक तो लिखे हैं, और अब देखा जाए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पर। ए जेड वन बी जेड टू, और यहाँ कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है, तो आ जाएगा कि ए जेड वन, हम इसको अलग से साइड में बता देते ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब हम पुट कर देंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पर, ए जेड वन बी जेड टू पूरे का ये है। तो अभी पढ़े थे हम लोग कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होता है तो अलग अलग होता है, तो यहाँ भी तो दो ही कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, पहला है ए जेड वन दूसरा है बी जेड टू, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब निकालेंगे कॉन्जुगेट तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा ऐसा। किस प्रॉपर्टी से, देखिए पहला प्रॉपर्टी से मिल रहा ये स्टेप आ गया। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो मल्टीप्लाइड होगा तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, इसका भी कंजुगेट इसका भी कंजुगेट। तो आप जान रहे हैं कि इसका कंजुगेट क्या होगा, ए और बी तो रियल नंबर है, तो ए रियल नंबर है तो ए का कंजुगेट हमेशा होता है, मतलब बोल सकते हैं कि ए का कंजुगेट ए होता है। क्यों होता है, इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, तो थोड़ा दिमाग दौड़ाइए तो दिखाई देगा कि हो जाएगा कैसे। तो कोशिश करते हैं x प्लस आई वाई का होता है कॉन्जुगेट में x माइनस आई वाई, और यहाँ पर तो लिखा हुआ है खाली a रियल नंबर है, तो रियल नंबर है मतलब क्या हुआ, a प्लस या माइनस जो भी समझिए जीरो आई है ऐसा लिखा हुआ है, a का a लिख दिया, और इसको लिख दिया है प्योरली रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है, कहीं लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है, पहले यहाँ लिखा हुआ था देखिए ए भी रियल नंबर है। तो जब ए रियल नंबर्स है तो इसीलिए कंफर्म होगा कि रियल नंबर को ए को लिख सकते थे ए प्लस जीरो आई, या मतलब
प्लस जीरो आई या माइनस जीरो आई जो भी लिखे हम ऐसे लिखते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट से आ जाएगा कि ए का ए उतर जाता है, इमेजिनरी पार्ट में खाली माइनस बैठाते हैं तो देखिए जीरो आई हो गया और ए आंसर तो जीरो आई जीरो होगा, देखिए ए बराबर ये आ गया। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन काम लग गए। मतलब कोई भी आदमी जितना मोटे तौर पर पढ़ता है, काम चलाओ पढ़ता है, वो स्कूल पास होने में दिक्कत होता है। इसलिए वो याद करके परीक्षा के समय एक दो दिन वन डे टेस्ट सीरीज जैसा पढ़ के पास करता है, इसलिए फेल भी हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा उससे अच्छा करना है मतलब तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा जाता है, अगर और थोड़ा अच्छा करना है तो और एक्स्ट्रा पढ़ा जाता है, और अगर मतलब डेप्थ में एकदम आई आई टी का अच्छा रैंक में लाना है तो और पूरे डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। तो जितना आप डेप्थ में पढ़ेंगे आई आई टी का रैंक वैसे ही बढ़ते जाएगा, ये है कॉन्सेप्ट। तो इसलिए यहाँ पर हो गया ये मल्टीप्लाइड में है दो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि रियल नंबर भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये जो प्रोडक्ट है तो अब ये तीसरा नियम लगेगा। तीसरा नियम क्या अलग अलग हो जाता है, तो इसका भी कंजुगेट होगा, इसका भी कंजुगेट होगा, लेकिन इसका कंजुगेट क्या होता है अभी बता दिए कि सेम रियल नंबर होता है तो रियल हो जाएगा, आइए जेड वन का कंजुगेट लग जाएगा। अब फिर यहाँ पर बी रियल नंबर है, दोनों का अलग अलग लगेगा तो बी का बी हो जाएगा और जेड टू का कंजुगेट लग जाएगा। तो इस तरह से इतना स्टेप लिखाने की जरूरत क्या है, ए बराबर डायरेक्टली लिख दे, इसलिए यहाँ पर मैंने बोला कि नहीं अभी अलग से बता देते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। तो ए जो आया था इसका एनालिसिस यहाँ पर दिया हुआ है, तो ए तो ये पूरा का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट हुआ, इसका कॉन्जुगेट हुआ, ये रियल नंबर है इसके बाहर हो गया, इसका जेड वन का कॉन्जुगेट हो गया प्लस में, फिर इसका कॉन्जुगेट तो रियल नंबर है तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो वैसे ही रह जाएगा और जेड टू का कॉन्जुगेट हो जाएगा। इस तरह से ये आया एक पहला एक्सप्रेशन का माने एलएचएस जो है एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका फर्स्ट टर्म्स जो हुआ ऐसा है। सिमिलरली आप सोच सकते हैं अगर हम लोग सेकंड वाले का भी निकालें तो क्या आएगा, तो आएगा और चलिए इसको थोड़ा मल्टीप्लाई भी कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, ये ए वाला आंसर इसके इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर ए वाला आंसर इसके इसके मल्टीप्लाइड होगा, जैसा 6 मिनट के अलजेब्रा में हम लोग रहता था। मतलब कोई पॉलिनोमियल या कोई एक्सप्रेशन जो ए भी एक मोनोमियल बाइनोमियल या पॉलिनोमियल या ट्राइनोमियल रहता था और ये भी रहता था, तो क्या करते थे ए वाला दोनों से मल्टीप्लाइड फिर ए वाला दोनों से मल्टीप्लाइड, वही 6 मिनट का कॉन्सेप्ट लगता है, थोड़ा प्रॉपर्टी लगेगा। तो इसके बाद के स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, तो ए वाला जो इससे मल्टीप्लाइड होगा ए इंटू ए ए स्क्वायर हो जाएगा और जेड वन इंटू जेड वन कॉन्जुगेट हो गया, और फिर इसको इससे करेंगे तो ए इंटू बी, या ऐसा करते हैं पहला को पहला से मल्टीप्लाई कर दिए और दूसरा को दूसरा से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो बी इंटू बी बी स्क्वायर हो गया और ए वाला हो गया जेड टू कॉन्जुगेट, ठीक है। अब प्लस में अब अल्टरनेट मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पहला का पहला मल्टीप्लाई कर दिए दूसरा का दूसरा मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब क्या करेंगे पहला वाला का दूसरा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा ए बी ए बी जेड वन जेड टू का कंजुगेट, अब प्लस इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी होगा कॉमन ले लेते हैं और जेड वन कंजुगेट, पहले जेड वन लिख रहे हैं तब जेड टू, अभी जेड यही आया यही मानी कुछ इक्वेशन लिख देते हैं फर्स्ट। सिमिलरली हम इसको तोड़ेंगे सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट के लिए क्या होगा, लिखेंगे बी जेड वन ए जेड टू दिस, फिर यही कॉन्सेप्ट से दो बार लिखना पड़ेगा, तो बी जेड वन माइनस ए जेड टू, फिर यहां लिखेंगे बी जेड वन माइनस ए जेड टू कॉन्जुगेट, ऐसा लिख दिए। अब फिर हम इसको अलग अलग करेंगे तो इसके बाद का स्टेप हो जाएगा बी जेड वन माइनस ए जेड टू, और जैसे यहां किए थे पूरा मैकेनिज्म वही है कि इसका कॉन्जुगेट लगेगा इसका कॉन्जुगेट लगेगा, तो उसको लिख देते हैं आ जाएगा बी जेड वन कॉन्जुगेट माइनस ए जेड टू कॉन्जुगेट। क्यों हुआ,
जैसे पहले कराए थे कि जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अलग अलग होता है कॉन्जुगेट, तो अलग अलग कॉन्जुगेट लिए। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो आएगा इसमें कि इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट होगा और इसका कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो अलग अलग होता है। फिर इसमें कॉन्जुगेट क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड में है तो दोनों का अलग अलग होगा, ये रियल नंबर है तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट वैसे ही रह जाता है, इसमें लग गया कॉन्जुगेट। फिर ये रियल नंबर है वैसे ही रह गया, बिना कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट नहीं लगता इसमें, क्योंकि जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो एक के बराबर होता है। आई इसका जेड टू कॉन्जुगेट लग गया। अब इसको फिर उसी तरह एक को एक से मल्टीप्लाई कीजिए और दो को दो से पहले मल्टीप्लाई कीजिए। इधर करेंगे तो क्या होगा, बी इंटू बी, पहले ए वाला करते हैं तो ए ए माइनस माइनस प्लस हो गया ए स्क्वायर, और ये हो गया जेड टू जेड टू। या पहले चलो जैसे था उसी करते, पहले इसको करते बी इंटू बी, बी स्क्वायर जेड वन और जेड वन और ये माइनस माइनस प्लस हो गया ए स्क्वायर जेड टू जेड टू। फिर क्या होगा, अब इसको एक को दो से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ए बी जेड वन जेड टू का कॉन्जुगेट, फिर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी जेड वन कॉन्जुगेट जेड टू ऐसा है। नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख दिए, ये दोनों में कॉमन ले लिए, माइनस ए बी और जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट प्लस जेड वन ये दूसरा हो गया। या इसमें और देखिए सॉल्व हो जाएगा, क्या सॉल्व हो जाएगा, तो जेड वन आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है जेड वन जेड वन, तो अभी बताया गया था कि सेम एक जेड हो और एक कंजुगेट लगे तो क्या होता है, ये मॉड जेड का स्क्वायर। तो यहां भी उस टाइप का लिख सकते थे कि ए लाइन आ जाएगा कि मॉड जेड ए स्क्वायर और ये हो जाएगा जेड वन मॉड का स्क्वायर और इसमें हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर आ गया ये वाला, इतना का ए सर हो गया, इतना का ए सर हो गया और इसको ऐसे उतार देते हैं। ये वन की जगह इसको वन कर देते हैं, ये स्टेप और लिख दिए, इतना को ऐसा लिख दिए और इतना को ये लिख दिया और ये वाला ऐसे उतार दिए। फिर यहाँ इसी तरह होगा, पहले ए वाला उतार देते हैं चाहे ऐसे भी दे, कोई दिक्कत नहीं, बी स्क्वायर ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा
अब माइनस ए बी और यहां हो गया देखा जाए तो ए वाला जो टर्म है और यहां का जो टर्म है ये सेकंड इक्वेशन का है और ये फर्स्ट इक्वेशन का है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म सेम है, खाली यहां प्लस साइन है माइनस साइन है। कैसे देखिए, यहां माइनस है ए बी प्लस ए बी, अंदर में जो दिख रहा है जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट, फिर जेड वन कॉन्जुगेट जेड टू सेम सेम दिख रहा है, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो कट जाएगा टर्म्स, या तो ऐड करना है तो अब लिखेंगे एडिंग, एडिंग इक्वेशन वन इक्वेशंस वन एंड टू, जैसे ही ऐड करेंगे तो आ जाएगा इधर में ए जेड वन प्लस बी जेड टू स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा बी जेड वन माइनस ए जेड टू स्क्वायर। तो इसमें एक दो तीन टर्म है, इसे भी एक दो तीन टर्म है, तो थर्ड टर्म कट गया, सेम सेम है, और इसमें पहला दूसरा टर्म था, इसका पहला दूसरा टर्म है, पहले जेड वन वाला लिख रहे हैं, देखिए जेड वन वाला यहां भी दिख रहा है यहां भी दिख रहा है, जब दोनों ऐड होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जेड वन स्क्वायर कॉमन, तो आ गया जेड वन स्क्वायर कॉमन और यहां हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जेड वन स्क्वायर कॉमन है, ये आया। अब फिर जेड टू का देख रहे हैं, इसका सेकेंड टर्म और इसका सेकेंड टर्म, इसे भी मॉड जेड टू स्क्वायर, यहां भी मॉड जेड टू स्क्वायर है, तो दोनों में कॉमन है ये, जब कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, इतना हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो गया जेड वन, ये हो गया जेड टू और ये हो गया ब्रैकेट। तो इस तरह से ये आंसर्स प्लस ये आंसर्स जो फिल इन द ब्लैंक्स था, यही रिजल्ट है, ये जो यहां लिखे हैं, ये जो रिजल्ट लिखे हैं यही आंसर था उसके फिल इन द ब्लैंक्स में, मतलब फाइनली अब आंसर्स आ गया कि ए जेड वन प्लस बी जेड टू स्क्वायर प्लस बी जेड वन माइनस ए जेड टू स्क्वायर इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स था, तो यहां पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां आएगा जेड वन का स्क्वायर प्लस जेड टू का स्क्वायर और ये ऐसे ब्रैकेट, तो यही इसका रिजल्ट है, यही इसका रिजल्ट है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी में सोचिए कि मतलब क्वेश्चन तो बन गया, तो देखिए कितना सोचना पड़ता है। और होता क्या है कि जब तक आप अनसीन क्वेश्चन को लेकर के अपने नहीं बनाइएगा तब तक कभी भी डेवलप नहीं होगा, डेवलपमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब इसी को अगर और थोड़ा आगे एनालिसिस करें, एक्स्ट्रा बूस्ट एनर्जी समझिए, तो समझिए कि पहले आप इसका मतलब एक स्पेशल केस लेते हैं, इसको लिख देते हैं एनबी नोटेड बी लो, कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए क्या कर रहे हैं, तो पुटिंग ए इक्वल टू बी और इक्वल टू वन, तो ये क्या हो जाएगा, यहां ए को वन कर दिए बी को वन कर दिए, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कैची में कन्वर्ट हो जाएगा, ए वन हो गया तो जेड वन प्लस जेड टू दिस स्क्वायर और ए हो जाएगा, यहां भी बी और ए को हम इक्वल इक्वल लिए हैं वन के बराबर,
तो जेड वन माइनस जेड टू इसका स्क्वायर, और यहां पर आ गया ए वन है तो वन का स्क्वायर वन, फिर बी भी वन है तो वन का स्क्वायर वन, तो वन वन मिलकर टू हो गया, और यहां पर आ गया जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि जहां भी लिखा रहेगा जेड वन प्लस जेड टू स्क्वायर, जेड वन माइनस जेड टू स्क्वायर, तो ये दोनों ऐड करके ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। तो जिनको ए वाला मालूम है विथ प्रूफ, तो ए और बी को वन वन बैठाएंगे तो ये वाला भी आंसर हो सकता है, या इंडिपेंडेंट भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। और अभी इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, अब इसका आगे का कड़ी भी थोड़ा सा और बताते हैं कि ये एक्चुअली ज्योमेट्रिकली क्या शो करता है, तब उसके बाद ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको देखिए, ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद, और ये आईआईटीज में भले ही 1988 में दो मार्क्स का है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से गौर कीजिएगा, 44 का क्वेश्चन, तो हमको लगता है ये चार बार आया हुआ है इधर उधर बदल करके, ठीक है। कोई भी इंसान 44 साल का क्वेश्चन बनाता ही नहीं है, अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन 44 को 10 से भाग दीजिए 4.4, मतलब राउंड कीजिए, चार साल के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा। हाँ, टेस्ट सीरीज के नाम पर बहुत सा क्वेश्चन बनता है, देता है आदमी एग्जाम, लेकिन एग्जाम जब देता है तो उसका नंबर देखिएगा तो हमको आश्चर्य लगता है कि बच्चों का नंबर उठता है, दो नंबर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एक नंबर, मैथ में तीन नंबर, कभी कभी जीरो, पूरा टेस्ट सीरीज दे रहा है नंबर ही नहीं आ रहा, तो नंबर आएगा कहाँ उसको, उसके कंसेप्ट ही नहीं है, वो हमेशा सिंगल डिजिट में नंबर लाएगा। 18 टेस्ट किया, 8100 टेस्ट ले ले, हमेशा उसका फिजिक्स में पेपर वन पेपर टू, केमिस्ट्री पेपर वन पेपर टू, मैथमेटिक्स पेपर वन पेपर टू, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर ऐसे ही दिखा रही है, जैसा नंबर लगता है बच्चा उसी से उसका ग्राफ गिर जाता है, यार नंबर ही नहीं उठ रहा, नंबर कहाँ से उठेगा, आपने कंसेप्ट पढ़ाई नहीं लिया, खाली फालतू का टेस्ट दे रहे, कोई फायदा नहीं है, मेरे अनुसार कोई फायदा नहीं, और जो आपका ग्राफ है ना घूमते जाते हैं। तो देखिए अब इसके बाद का और चीज बताते हैं, और इसका हो गया, अब इसको लाते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये जो लास्ट लाइन आया था जेड वन जेड टू को फिजिकली दिखाते हैं, देखिए मान लीजिए कि जेड वन को हम दिखा दें आर्गन डायग्राम में कि ए वाला दिख रहा है जेड वन, ओ ए ये जेड वन को शो कर रहा मान लिया जाए, और ऐसे दिख रहा मान लिया जाए ओ बी ये दिख रहा है जेड टू, मैंने इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जेड वन ये हो गया पोजीशन वेक्टर्स, और इसके रेस्पेक्ट में जेड टू हो गया पोजीशन वेक्टर, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो जेड वन जेड टू को निकल गया, और अब इसको एडजेसेंट साइड मान करके आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, तो कैसे होगा, इसके पैरेलल में एक खींचेंगे यहां से एक लाइन, और फिर एक और पैरेलल में यहां से खींचेंगे इसके, तो इस तरह से एक ये पैरेललोग्राम बन गया, डायग्राम ठीक से नहीं बना है, चलिए काम चलो दिखाते हैं ऐसे है। तो अब जब ये बनेगा ठीक है, तो अब क्या हो गया ओ ए ओ बी ओ सी लिख देते हैं, तो ये जेड वन प्लस जेड टू कौन शो कर रहा है, ये जेड वन है ये जेड टू है, पैरेललोग्राम लॉ से ये आंसर शो करता है जेड वन प्लस जेड टू, जब डेप्थ में बताएंगे तो और अच्छा से समझाएंगे, अभी समझे यही हुआ। और जब जेड वन माइनस जेड टू ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स है, तो ये जेड वन है ये जेड टू है, तो इसका आंसर जेड वन से जेड टू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन होगा जेड टू से जेड वन, तो दो से एक, ये दो है एक है, ये वाला आंसर शो होगा। मतलब ये
डायगोनल नंबर दो है और ए वाला जो है डायगोनल नंबर वन है, ऐसा समझ लीजिए। और यही वाला डायगोनल नंबर वन जो आया वही है ओसी, और यही आंसर आया जेड वन प्लस जेड टू मॉड स्क्वायर्स। और डायगोनल नंबर टू आया बी ए जो आ रहा है, समझिए कि जेड वन माइनस जेड टू स्क्वायर्स। और जो ओ ए था एडजेसेंट साइड जिसको कि आया है जेड वन मॉड, और ओ बी जो आया ए वाला लेंथ ये आया जेड टू मॉड। क्यों आया? क्योंकि ये जेड वन है तो इसको मॉड लगा देंगे तो देखो जेड वन मॉड ये आंसर दिख रहा है। यही है साइड का वैल्यू कुछ लिख लीजिए, है ना, नहीं लिख रहा है, यही है ये जेड टू मॉड है, ये लेंथ ए वाला लेंथ इसके बराबर है, ए वाला लेंथ इसके बराबर है, ठीक है। तो ऐसा अब सीधा समझिए कि यहां पर इस आंसर्स को लिख देंगे, मतलब ये आ गया डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर्स, ये दूसरा डायगोनल का स्क्वायर्स, ये किसके बराबर हो गया तो ट्वाइस ऑफ ये जेड वन को समझिए साइड, साइड वन हो गया ए स्क्वायर, इसको समझ लीजिए बी स्क्वायर, इसको थोड़ा देर के लिए ए मान ले रहे, इसको बी मान ले रहे, तो आ गया ये ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री में जो आप लोग पढ़े होंगे यूक्लिड ज्योमेट्री, और हम लोग के समय में चलता था उसी यूक्लिड ज्योमेट्री का कॉम्पैक्ट में एक हम लोग पढ़ते थे जिसका नाम था हॉल स्टीफेंसन ज्योमेट्री, चैप्टर माने पार्ट वन से फोर तक रहता था, एक से साठ थ्योरम तक, और पार्ट फाइव और उससे ज़्यादा वाला रहता था थ्योरम साठ से लेकर अस्सी तक। तो वो ज्योमेट्री का अंदर में कहीं पर है कि किसी पैरेललोग्राम में प्रूव करो कि डायगोनल्स के स्क्वायर का सम हमेशा एडजेसेंट साइड के स्क्वायर के सम का डबल होता है। तो ज्योमेट्री में आ गए, आप प्लस इसी को अगर स्पेशल केस में चाहें, समय का अभाव है लेकिन घर में करके देखिएगा, इसी को स्पेशल केस में रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल कन्वर्ट कीजिए, इसी को कन्वर्ट करके स्क्वायर कीजिए, ट्रेपेजियम कीजिए, सारा आंसर दिखाई देगा इसी कॉन्सेप्ट पर, माने सिक्स यूनिट का फंडा भी दिखाई देगा। अब सिक्स यूनिट नाइन टू को सब पूछ के देखिए तो कि पैरेललोग्राम में ये वाला चीज प्रूफ करो, नहीं कर सकता बच्चा। अगर इसी पैरेललोग्राम को स्पेशल केस में रेक्टेंगल कीजिए, नहीं होगा। रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सीधा, यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन यहाँ पर जब स्ट्रिक्टली पैरेललोग्राम है तो डी वन डी टू कम बेसी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और उसी के स्पेशल के जब रेक्टेंगल होगा तो करके ही दिखा देते क्या है छोटा सा सब्जी, ऐसा अगर आ गया स्पेशल केस कि जैसे ही पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल करेंगे नाम दे देते हैं वही ओ ए बी सी, और ये है ए साइड बी साइड 90 डिग्री है, इसका जो डायगोनल वन होगा डायगोनल टू होगा, यहां पर दोनों सेम होगा क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल सेम होगा। तो जो D1 था इधर वाला OC, तो D1 यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, मान लिया जाए D0 लिख दिए, और जो डायगोनल 2 है उसको भी मान लिया D0, क्योंकि दोनों सेम डायगोनल है, D0 लिख दिए, अब पुट कर दीजिए यहाँ पर, या खाली D लिख दीजिए नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आदमी को, सेम डायगोनल, ये डायगोनल नाइन क्लास में है, ये बराबर होता है, तो डायगोनल का स्क्वायर डायगोनल का स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू डी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू कट गया तो डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सही भी है, ए है ये बी है और ये डायगोनल है, देखिए डायगोनल है तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो उस लॉजिक से आप इस कॉन्सेप्ट को रेक्टेंगल के लिए प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरह अगर और स्पेशल केस लेंगे तो ये रेक्टेंगल है,
अगर ये स्क्वायर हो जाए स्पेशल केस, जिसका ए और बी जो लिख रहे थे यहां ए बराबर बी कर दिए, डायगोनल तो फिर रेक्टेंगल जैसा यहां भी बराबर होगा, डी वन जो है डी टू के बराबर है और सब डी के बराबर है। तो जनरल फॉर्मूला तो हमारे पास ये वाला था पैरेललोग्राम वाला कि डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर बराबर ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हम मतलब दिखा रहे हैं कि आईटी का क्वेश्चन सिक्स से एट के लेवल से भी बनता है, और डी वन का आंसर भी आ गया डी स्क्वायर, ये भी आ गया डी स्क्वायर, ये हो गया टू, और ए और बी बराबर है तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हमेशा स्क्वायर में बराबर होता है। तो टू डी स्क्वायर बराबर टू स्क्वायर एंड टू फोर ए स्क्वायर, काट देंगे टू कट जाएगा तो डी स्क्वायर बराबर टू ए स्क्वायर, अर्थात डी बराबर ए रूट टू। सबको जानते हो कि रेक्टेंगल का जब स्क्वायर रूट का इसका बनाओगे तो ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, तो नेचुरली इसको पाइथागोरस यूज कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर होगा, यही तो फंडा है और दिख रहा है आंसर प्रूफ हो जाएगा। और इसका लास्ट एक तो और कर देते हैं रॉम्बस, रॉम्बस जब होगा तो एक तो समझ लो बर्फी मिठाई जैसा ऐसे बना दिए बर्फी मिठाई जैसे, ये हो गया डायगोनल वन और ये हो गया डायगोनल टू। तो यहाँ पर डायगोनल वन डायगोनल टू बराबर नहीं है वैसा हम ले रहे हैं रॉम्बस, तो ये भी क्या है तो एक कंसेप्ट आएगा जो लिखा हुआ है डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर बराबर ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। डी वन डी टू तो डिफरेंट है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, और यहाँ ट्वाइस होगा साइड सब तो ए बी बराबर होता है, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फाइनल हो गया कि डायगोनल के स्क्वायर का सम हमेशा फोर ए स्क्वायर के बराबर होता है, मेंसुरेशन में से पढ़ाई होता है, देखिए मेंसुरेशन भी सामने में आ गया। और एक लास्ट और बताते हैं उसी पर खत्म होगा, वह है कि जैसे ही अगर इसको हम पैरेललोग्राम लॉ का जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो जो स्टेप था ए वाला आंसर्स ये शो करता है क्या चीज को, तो पहले इसके स्क्रीनशॉट लीजिए कुछ मिटा देंगे ठीक है, अब इसको वेक्टर्स करके डी एंड कर देंगे। देखिए अब क्या होगा इसका, एक स्टेप और लिखते हैं, मतलब क्या है दिमाग आप कितना दौड़ा सकते हैं मेन वही काम है ओके। तो यहां पर आ जाएगा कि ये जो लिखा हुआ है कि जेड वन प्लस जेड टू दिस स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड टू दिस स्क्वायर्स जो कि है ट्वाइस जेड वन मॉड स्क्वायर जेड टू मॉड स्क्वायर्स, ये है। अब इसको पैरेललोग्राम लॉ से जो फिजिकली सोचेंगे कैसा है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ से ऐसे था ओ ई और ये ओ बी और इस वेक्टर्स को मान लिया जाए कि एक तरह से एडजेसेंट साइड मान करके एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देते हैं। तो जैसे ही पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे यहाँ से यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ कट करेगा उसको सी लिख दिए, तो ए वाला आंसर को मान लिया जाए कि वेक्टर्स ये जो लेंथ है जेड वन मॉड इसको सोच लीजिए ए लिख रहे थे पहले, तो ज्यादातर पॉपुलर है वो लिखते हैं पी, तो वेक्टर पी है वाला और ए जेड टू जो मॉड है एडजेसेंट साइड ए वाला इसको वेक्टर मैग्नीट्यूड बी लिख रहे थे तो इसको हम क्यू कर दिए या बड़ा क्यू कर दिए, माने पी और क्यू दो वेक्टर्स है उसका हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखे खाली, और इसको वेक्टर्स भी लिख सकते हैं पी वेक्टर्स और क्यू वेक्टर्स। तो जैसे ही ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर अल्फा है तो जानते हैं पैरेललोग्राम से दोनों वेक्टर का जोड़ यही वाला तो एडिशन ऑफ द टू वेक्टर दिखा रहा है कि वेक्टर पी वेक्टर क्यू का ऐड करके
ये आंसर निकल रहा है। और इसका आंसर क्या होता है सबको पता है कि जेड वन प्लस जेड टू इसका जो माने एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स है, तो एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स के ये मॉड है, तो हमेशा होता है माने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा। कैसे? तो आप अगर इसका मॉड पढ़े होंगे तो मॉड का मतलब हो गया कि स्क्वायर रूट होगा, लेकिन यहां पर वेक्टर्स दो वेक्टर्स का सम है, यही ना वेक्टर्स है जो जेड वन प्लस जेड टू शो कर रहा है। ये जेड वन प्लस जेड टू वेक्टर्स का जब मॉड निकाले हैं तो ये मॉड हो गया ओसी लेंथ, तो मॉड ओसी लेंथ होगा इसका स्क्वायर रूट, मॉड का स्क्वायर हो गया तो यहां पर स्क्वायर रूट हट गया। सिमिलरली जेड वन माइनस जेड टू ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है, तो जब इसका मॉड वैल्यू निकालेंगे तो वन माइनस टू है तो डायरेक्शन होता है टू से वन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जब पड़ेगा तो समझ में आएगा कि डायरेक्शन उल्टा निकल जाता है। और कैसे होता है थोड़ा कोशिश कीजिए, ये जेड वन है और ये जब रहेगा जेड वन जेड टू सॉरी ये तो जेड टू प्लस जेड वन माइनस जेड टू मिल करके जेड वन आ जाएगा एडिशन से। अब इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो गया ये एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस अल्फा होता है, और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए ए वाला शो करता है ना, क्योंकि यहाँ ऐसे रहता है मॉड में तब स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर कट गया स्क्वायर रूट कट गया, अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो जैसे ही ऐड करेंगे टर्म कट गया तो ये आ गया ना ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये देखिए ये भी कॉन्सेप्ट हो गया, और ए वाला डायगोनल है, डायगोनल नंबर वन है, ये डायगोनल नंबर टू है, तो डायगोनल वन का ये जो मॉड लग गया तो ये डायगोनल वन हो गया उसके स्क्वायर हो गया, ये हो गया पी और क्यू, पी क्यू को ए और बी भी लिख सकते हैं या पी क्यू भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ भी लिख रहा है। तो पृथ्वी गोल है, वेक्टर्स हो, सॉलिड ज्योमेट्री हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा हो, कुछ भी हो, सब एक दूसरे से लिंक है। ओके, तो आज का इतना ही रोकते हैं और फिर किसी दिन सेकंड क्वेश्चन जो दिए हैं इसी तरह का मैथ का दिए हैं तो फिजिक्स का भी देंगे, केमिस्ट्री का भी देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देंगे जिससे कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।